आज हम लोग एक ब्लैक वाटर एक्वास्केप कर रहे हैं बायोटोप स्टाइल में। तो हम लोग स्पॉटलाइट यूज़ कर रहे हैं और ये हम लोग का ड्रिफ्टवुड है। प्लेसमेंट पहले हम लोग कर लिए, अभी सैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, AZ का सैंड है। थोड़ा बहुत क्लीन कर लेना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जम गया था। फिर स्टोन से उसको अच्छे से होल्ड करवा के और स्केपिंग का जो पोजीशन होना चाहिए वो सब रखा। ये सब हम लोग प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग मिड टेक प्लांट यूज़ कर रहे हैं जो लो लाइट में भी ग्रो कर जाए और बिना CO2 का। एनोबियस है, ड्रॉप सेजिटेरिया है, एनोबियस का 2-3 वैरायटी है। सो बस मैंने उसको प्लग करके बस बैठा दिया है, मैंने ग्लू नहीं किया है। और ड्रॉप सेजिटेरिया पहले से कस्टमर के पास था तो हम लोग उसको कटोरी के साथ ही बैठा दिया है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाए। तो अभी हम लोग सब प्लांट्स बाकी जो है वो सब सेट कर दिए हैं। अभी ये इसका लुक्स ऐसा आया है, अभी इसमें पूरा हम लोग पानी भरेंगे एंड देन इसका लुक चेक करते कैसा क्या होता है। और थोड़ा बहुत सैंड दे दिए वो कटोरी को ढकने के लिए, कटोरी में पहले से वो सीजन किया हुआ था ड्रॉप सेजिटेरिया, वो कभी कभी मुश्किल होता है, किसी किसी के पास ग्रो नहीं करता, तो हम लोग उसको अलग से पहले कस्टमर के पास ग्रो करवा दिए। अभी हम लोग पानी भर रहे हैं और अभी हम लोगों के पास नया एक लाइट आया है जो स्पॉट लाइट है, जो आपका कोई भी ब्लैक वाटर या फिर छोटा मोटा कोई प्लांटेड टैंक में भी आप यूज़ कर सकते हैं स्पॉट लाइट। खासकर आप कोई भी डार्क कंपोजिशन का कुछ भी सेटअप कर रहे हैं तो इसमें स्पॉट लाइट के हिसाब से ये वाला लाइट बहुत अच्छा लुक्स देता है और प्लांट्स भी इसमें अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के ऊपर ये लाइट नहीं देता है, लाइट जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो एक्सटर्नल लाइट भी आप लगा सकते हैं, बल्कि इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें प्लांट्स भी बहुत कम है और ज़्यादा हेवी लाइट भी नहीं चाहिए। और हम लोगों का टैंक हो गया कंप्लीट।